जियो ने जियो मार्ट लॉन्च करके पड़ोस के बनियों को जो एम्पावर करने की पहल करी है, ये देश की सबसे बड़ी पहल है। इससे करीबन 3 से 6 करोड़ छोटे व्यापारी हैं, उनको डिजिटल एक्सेस मिलेगा। उन छोटे व्यापारियों को, छोटे बिजनेसेस जो कर रहे हैं, उन छोटे बिजनेसेस को बढ़ावा मिलेगा। जो अभी तक छोटे मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, उनके हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उनसे जुड़े हुए हजारों करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं। ये जो जियो की जो स्ट्रैटेजी है O2O, जिसको हम लोग ऑनलाइन टू ऑफलाइन स्ट्रैटेजी कहते हैं, ये ऑनलाइन ई कॉमर्स और ऑनलाइन डिलीवरी में सबको रेवोल्यूशनराइज कर देगी। ये स्ट्रैटेजी B2B B2C दोनों सेगमेंट को एम्पावर कर रही है। ये स्ट्रैटेजी नई नहीं है, ये स्ट्रैटेजी पहले वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट करी है कुछ महीनों पहले। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी को एक्वायर करा बैंगलोर में, जिनमें 300 सिटीज को वो स्टोरेज एंड डिलीवरी के लिए यूज कर रहे हैं। सिमिलरली अमेजोन ने भी फ्यूचर रिटेल के साथ टाइप करके 1500 स्टोर जो अराउंड 400 इंडियन सिटीज में अवेलेबल है, उसके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब आप यहाँ देख लेंगे कि ये समीकरण बदल कैसे रहा है। रिलायंस के पास ये एडवांटेज है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो कि छोटे छोटे शेयर्स रखते हैं, रिलायंस के पास 10,000 आउटलेट्स और 6,500 इंडियन सिटीज तो उनके पास अपनी है, जिससे ये सारी चीजें रेवोल्यूशनाइज हो जाएंगी। अगर आप एक जो स्टैट है वो हरीश जी ने नहीं बताया, इंडिया में जो अनऑर्गेनाइज्ड किराना स्टोर का जो रिटेल ट्रेड की जो हिस्सेदारी है वो एटलीस्ट 90% है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि एंड ऑफ 2021 वो 700 बिलियन मार्केट बनने वाली है। तो डेफिनेटली ये जो डील है रिलायंस और जियो की, ये देश के परिवेश को, देश के देश को हर तरह से डिजिटाइज कर रही है। हम एक नए वर्ल्ड में जाने वाले हैं, एक नई दुनिया में हम जाने वाले, एक नई चीज़ बदल रही है। अच्छा थोड़ा